नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ट्रैवलपीडिया में। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ रहस्यमय भी है, और वो जगह कौन सी है जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में यहाँ ऐसे कई किलों का निर्माण हुआ जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन विश्व प्रसिद्ध किलों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और इन्हीं किलों में से एक है अटेर का किला। प्रदेश के इतिहास में इस किले का बहुत महत्व है। यह किला ऐतिहासिक होने के साथ साथ कई अनसुनी कहानियों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इस किले से जुड़ी दिलचस्प कहानी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस किले का इतिहास करीब 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस किले का निर्माण सन 1644 में भदौरिया शासक बदन सिंह ने प्रारंभ कराया था, और सन 1668 में महासिंह भदौरिया के कार्यकाल में इसका निर्माण पूरा हुआ। यह किला पूर्व से पश्चिम तक 700 फीट एवं उत्तर से दक्षिण तक 325 फीट है। इसमें 17 बुर्ज और 4 प्रवेश द्वार हैं। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थापत्य कला मुगल कालीन से प्रभावित प्रतीत होते हैं। दुर्ग के भवनों में 7 मंजिला भवन प्रमुख हैं, जिसका निर्माण दुर्ग के भीतर चौकसी के लिए एक बुर्ज के रूप में किया जाता था। यह किला चंबल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो अपनी महिमा के साथ साथ अपनी भव्यता के लिए विख्यात रहा है।
सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर किले को चंबल नदी के किनारे एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख आता है, यह किला उसी पहाड़ी पर स्थित है। इसका मूल नाम देवगिरी दुर्ग है। अटेर का किला हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इस किले में खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल, हथियापोर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल मुख्य आकर्षण हैं। अटेर किले के बारे में एक किदवंती भी है कि शौर्य के प्रतीक लाल दरवाजे से ऐतिहासिक काल में खून टपकता था। इस खून से तिलक करने के बाद ही गुप्तचर राजा से मिल पाते थे और उसके बाद वे राजपाट व दुश्मनों से जुड़ी अहम सूचनाएं राजा को देते थे। आम आदमी को किले के दरवाजे से बहने वाले खून के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। आज भी इस दरवाजे को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इस दरवाजे का रंग भी लाल है। इसके ऊपर वह स्थान आज भी चिन्हित है जहां से खून टपकता था। इस किले में मौजूद खूनी दरवाजे के साथ साथ ऐसे कई और महल हैं जो बेहद ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। आज भी इन महल को देखने के लिए कई लोग पहुंचते हैं, हालांकि वर्तमान में महल खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। अटेर के किले के आसपास कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां घूमने के लिए हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं। इनमें माता रेणुका मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर और बरासो का जैन मंदिर आदि
बेहतरीन जगहों में से एक हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही भिंड से कुछ ही दूरी पर मौजूद ऐतिहासिक मल्हार राव होलकर की छतरी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी जिला भिंड में स्थित अटेर किले से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।